दोस्तों ब्रह्मांड की अनेकों जानकारियां हमें मालूम नहीं होती। आइए जानते हैं ब्रह्मांड के कुछ ऐसे ही रहस्य जिन्हें आप कभी सुने ही नहीं होंगे। जी हाँ, इसी हफ्ते गुरुवार को ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी हुई। यह ब्लैक होल हमारी धरती से करीब 30 लाख गुना बड़ा है। इससे विराट ब्रह्मांड की अनसुलझी गुत्थी फिर से चर्चा में आ गई है। ऐसे ही कुछ रहस्य को आज हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए जानते हैं उससे पहले ब्रह्मांड कैसे बना। इस बारे में अंतिम रूप से प्रमाणित तथ्य हमारे पास नहीं है। सबसे स्थिर थ्योरी बिग बैंग को ब्रह्मांड का शुरुआती चरण मानती है। इसके मुताबिक करीब 140 करोड़ साल पहले एक सूक्ष्म बिंदु में महाविस्फोट हुआ। इसे ही बिग बैंग कहते हैं। विस्फोट के बिंदु टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर चिटकने लगा। इसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। आकाशगंगाएं, तारे, ब्लैक होल, ग्रह आदि बने, लेकिन ब्रह्मांड के फैलने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। लगता था कि एक समय ऐसा फैलना बंद हो जाएगा और यह वापस एक बिंदु में समा जाएगा, लेकिन 1998 में हबल टेलीस्कोप की वजह से पता चला कि ब्रह्मांड जिस रफ्तार से फैल रहा है वह रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है, यानी कोई बाहरी ताकत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा डार्क एनर्जी के कारण होता है। यह डार्क एनर्जी हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, पर हमें यह दिखाई नहीं देता, इसीलिए इसे हम डार्क कहते हैं। दोस्तों, इसे हम ना तो माप सकते हैं और ना ही इसकी जांच कर सकते हैं। हाँ, इसका असर हमें महसूस होता है। यह खाली जगहों पर पाई जाती है। दरअसल यह ब्रह्मांड जितना हमें दिखता है वह समूचे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही है। डार्क एनर्जी 68% है, बाकी 27% डार्क मैटर है। यह सन 1933 में खोजा गया था। इसे भी देखना नामुमकिन था, लेकिन इसका असर दिखता है। दरअसल डार्क मैटर ही इतनी ताकतवर ग्रेविटी पैदा कर रहा है कि आकाशगंगा के सारे तारे एक ही गैलेक्सी में बंधे रहते हैं, वे इधर उधर नहीं बिखरते। दोस्तों, यह डार्क मैटर न तो रोशनी को जस्ट करता है और न ही उसे रिफ्लेक्ट करता है। यह अणु परमाणु से न बना होकर ऐसे जटिल और अनोखे कणों से बना है जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला है। कुल मिलाकर डार्क मैटर ब्रह्मांड को बांधे रखने का काम करता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती रहती है, जिसकी वजह से हर गैलेक्सी एक दूसरे से फासला बढ़ता जा रहा है। इसी ब्रह्मांड में ब्लैक होल नाम की एक ऐसी भी चीज है जो अपने दायरे में आने वाली हर चीज को निगल जाती है। ब्लैक होल सब कुछ खींच लेता है, यहाँ तक कि रोशनी को भी। दोस्तों, यह तो आप जानते ही होंगे कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है। दोस्तों, ब्रह्मांड वैसे ही फैल रहा है जैसे हवा भरने पर गुब्बारा फैलता जाता है, लेकिन यह तुलना एक सीमा तक ही सही है। गुब्बारा जैसे जैसे हवा में भरता जाता है वह बाहर हवा की जगह को घेरता है, पर ब्रह्मांड खुद में फैलता है। उसका विस्तार किसी बाहरी इलाके में नहीं होता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पहला ब्लैक होल कैसे बना, पहली आकाशगंगा कैसे बनी, बिग बैंग से पहले क्या हुआ था? इन सवालों का जवाब आज हम आपको जरूर देंगे। दोस्तों, 20 अरब में अभी हम सुनहरे दौर से गुजर रहे हैं। आज हमारे पास सभी जरूरी उपकरण और डेटा हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में यहाँ पर हम क्षण भर के लिए हैं। इस ब्रह्मांड को किसी प्रयोजन की जरूरत नहीं है, वह तो है ही। हम इस विशाल ब्रह्मांड में एक किराएदार की तरह हैं, जो कि कभी भी निकाले जा सकते हैं। दोस्तों, मेरा पूर्व जन्म में विश्वास नहीं है, ना ही अगले जन्म में। सच्चाई यह है कि पूरे ब्रह्मांड के सामने हम अप्रासंगिक हैं। हमारी कोई औकात नहीं है। हमारे चारों तरफ पृथ्वी की तरह के करीब 5000 ग्रह हैं। कहीं ना कहीं जिंदगी होगी, और यह जिंदगी जरूरी नहीं कि हमारी तरह हो। बहुत ही प्राथमिक स्तर पर जीवन भी हो सकता है, मछली जैसा या हमसे उन्नत प्राणी भी हो सकते हैं, लेकिन अपने ग्रह के हिसाब से हम कुछ प्रभावी हैं। हमारे पास विनाश की क्षमता है। हम अपने ग्रह को बर्बाद कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं ब्लैक होल पे गिरने पर
हमारी क्या दशा होगी। ब्लैक होल में गिरने पर आप प्रकृति के रहस्यों को खोजते हुए बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। यह फ्री फॉल जैसा होगा, जिसे आइंस्टीन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा था। ये जरूरी है कि अगर ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण का बल तब आपके पांव में ज्यादा महसूस होगा, सिर के बजाय। लेकिन मान लेते हैं कि यह ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी काफी बड़ा है। एक हकीकत यह भी है कि बड़े ब्लैक होल में आप अपना पूरा जीवन सामान्य तौर पर बिता सकते हैं। वैसे कितना सामान्य हो सकता है, ये सोचने की बात है, क्योंकि इसमें स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी कोई इच्छा काम नहीं करेगी, आप दूसरे ओर पलट भी नहीं सकते। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो पाते हैं कि यह समय से जुड़ा अनुभव है। समय केवल आगे बढ़ता है, पीछे की ओर नहीं बढ़ता। यह हमारी इच्छाओं के खिलाफ बढ़ता है और हमें पीछे टर्न लेने से रोकता है। यानी साफ है कि आप ब्लैक होल में पलट नहीं सकते और ना ही ब्लैक होल को छोड़कर भाग सकते हैं। तो इस लिहाज से भौतिक विज्ञान के मुताबिक आपके साथ दोनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है। आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर खाक हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड की जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।